ಶ್ರೀನಾಥಾದಿ ಗುರುತ್ರಂ ಗಣಪತಿ ಪೀಠತ್ರಯಂ ಭೈರವಂ ಸಿದ್ಧವು ಪಟುಕತ್ರಯಂ ಪದಿಗಂ ದ್ರವಿತ್ರ ಮಂಡಲಂ ವೀರಾಂ ಅಷ್ಟಿತ್ರ ಶಿಷ್ಟಾಕಂ ವೀರಾವಲಿ ಪಂಚಕಂ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಾಸಹಿತಂ ವಂದೇ ಗುರುರ್ ಮಂಗಳಂ ಪರಮಪುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವ್ ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಬೃಹಸ್ಪತ್ ಮಿಲನ್ ಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರ अपना जो पंथ था, अपना जो मार्ग था, उस मार्ग को छोड़ाने और उस मार्ग को कहते हुए आगे बढ़े। उन्होंने जिसकी स्थापना, जिस चीज की स्थापना करनी थी, उस चीज की स्थापना की। इस विज्ञान के युग में जहां सभी लोग मंत्र तंत्र ज्ञान से चिढ़ते हैं, जहां इस विधान को देवता विधान के एक हास्यास्त्र ढुका जाता है, ऐसे समय में एक युवा पुरुष ने जन्म लिया और वो है परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण सिंह मानी जी, जिन्होंने धड़ल्ले के साथ मंत्र तंत्र इंद्र ज्ञान नाम की पत्रिका का रजिस्ट्रेशन किया और वे 1980 से लेकर उस पत्रिका को आज तक उनके पुत्र भी चलाते हैं। यह एक इस वैज्ञानिक युग में एक बहुत बड़ी क्रांति है, आध्यात्मिक क्रांति है। इसको कहने के लिए भी लोग डरते हैं। आज तक भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मंत्र तंत्र इंद्र ज्ञान पत्रिका लेकर अगर वे बाहर जाएं या स्कूल आदि में उनको पता चले कि इन्होंने गुरु चादर पहनी है तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी अगर कोई कह देता है कि मैं डॉक्टर नारायण दत्त तिवारी जी का शिष्य हूं तो वो हिचकिचाता है आगे वाला कि इसको मैं अगर मंत्र तंत्र ज्ञान में कुछ कहूं तो मेरा कुछ बिगड़ेगा जरूर। इतना सामर्थ्य उन्होंने अपना निभाया है, इतना सामर्थ्य उन्होंने लाया है कि कोई धड़ल्ले के साथ ये कहने की शक्ति नहीं रखता कि अगर ये प्रभु सद्गुरुदेव जी का शिष्य है तो इसके बारे में मंत्र तंत्र ज्ञान के बारे में कुछ कहे, वो अपने शक्ति सामर्थ्य नहीं रखता। यह सामर्थ्य पर तीन महाविद्याओं को सिद्ध कर वहां जाना जा सकता है और वो जरा मरण रोग दुख इन सभी से, इन सारी चीजों से दूर है। वहां जाने वाला व्यक्ति तो एक श्रेष्ठ जीवन जीता है। शायद भगवान और देवताएं भी कभी उनको लगा कि हम सुख का अनुभव करें। सुख और आनंद में बहुत फर्क है। सुख वो है तुम एसी में बैठ जाओ, अर्थ चले जाए। हम इस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए जिस इन नवनाथों ने कहा था कि लोक कल्याण किसे कहते हैं, लोक कल्याण किसे कहते हैं, लोक कल्याण करने के लिए हमें क्या क्या खोना पड़ता है, यह करने वाले को ही पता कि इसको क्या खोना पड़ा। वो अपने सारे सुखों को त्याग कर, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपने सारे सुखों को त्याग कर, जब उनका जवानी का पीरियड था तब वे अपने जीवन को हिमालय के उन कंदराओं में घूमते हुए इन विद्याओं को अपने लिए लाने के लिए गए। नंगे पांव हिमालय के पर्वतों में घूमते रहे, कांटों को चूपते हुए ऋषियों को और जो गुफाओं में बैठे साधु संत थे जिनके पास विद्या लेने के लिए, उनके मार खाते रहे, उनके चिमटों से मार खाए। गुरु जी ने भी मुझे बताया था कि देख जोशी, मेरे को उस साधु ने इस विद्या सीखने के लिए गया और वो चिमटा मारकर मुझे हड़ताल गया था। मैं 3 दिन तक बर्फ में -3 डिग्री पर बाहर बैठा हुआ था लेकिन उसको विद्या नहीं देता, लेकिन मैं भी इतना ही जिद्दी था और उसके पास वो विद्या लेकर ही बाहर आया। तो गुरु जी एक एक विद्या प्राप्त करने के लिए जिस कष्ट को उन्होंने अनुभव किया, हम आज उस बात को नहीं जानते। कम से कम उनकी दी हुई विद्या, उनकी प्राप्त की विद्या का भी हम ज्ञान करते हुए उनकी साधना को हम करें तो शायद उनके उस कष्टों का ऋण चुकाने वाले कहलाएंगे। और यही प्रयत्न निखिल चेतना केंद्र का रहा है। निखिल चेतना केंद्र की स्थापना केवल इसी दृष्टि से हुई थी कि गुरु जी के ज्ञान को हम लेकर चलें। गुरु जी के ज्ञान, गुरु जी ने इतनी 150 पुस्तकें लिखी और उसमें तरह तरह का ज्ञान अपने जीवन में क्या क्या था वो सब देते चले गए, लेकिन कितने लोगों ने उस ज्ञान को अपनाया और कितने लोग ज्ञान को अपनाकर उसका आचरण करते हुए आगे चल रहे हैं, यह भी हमें जानना है। पहले पहल गुरुजी के पास या किसी भी ऋषि के पास, इस नाथ संप्रदाय में भी हो, एक बात सीखने की जरूरत है। गुरु कभी भी अपने शिष्य के बिना परीक्षा लिए उसको अपनाता नहीं। जो चापलूसी लोग होते हैं, चापलूसी गुरु और चापलूसी शिष्य होते हैं, आते आहा गुरु जी बहुत अब सुंदर है, मेरे पास 150 रुपए गुरु जी बस आपको समर्पण कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, 150 रुपए दे दिया, अब उसके बाद में केवल 1500 रुपए भी देने के लिए तैयार है और आपकी चरणों में आ जाएगा, बैठ जाएगा। ये चापलूसी वाले गुरु उनको नजदीक करते हैं, लेकिन सच्चा गुरु वो है अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, उसको समाज के साथ जोड़ता है, उसको इतनी यातनाएं देता है, पत्नी से प्रताड़ना देता है, माता पिता से प्रताड़ना देता है, अपने अपने लोगों से दूर करता है, अपने नौकरी से, पैसों से, सभी से दूर करता है और देखता है कि इन सभी से दूर होने के बाद वो जाता किसके पास। क्या अपने गुरु के साथ समर्पण के साथ जाता है या गुरु को निंदा करता है कि मैंने तुझे विश्वास किया लेकिन मेरे पास क्या रहा, सब कुछ माँ चले गई, बाप चले गया, मेरे बहन भाई पुत्र सब चले गए, धन भी चले गया, मैं नंगा हो गया। तो गुरु चाहता है कि तू नंगा हो गई मेरे पास आ, क्योंकि तू जब तक पवित्र नहीं होता।
तू जब तक तेरे अपने आप को शुद्ध करके मेरे पास नहीं आता, अगर तू तेरे साथ ये रहा कि मेरी पत्नी, मेरा बाप, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा घर एक करता रहा, तो तू गुरु को मेरा कभी नहीं कह सकेगा। कभी भी प्रार्थना करेगा गुरु के सामने, गुरु जी मेरे पत्नी बीमार हो गई जरा देखना, गुरु जी घर बनने में जरा एसी कम है जरा देखो ना, गुरु जी पुत्र बीमार हो गए उसको एसएससी ने इंटरमीडिएट हुआ जरा देखो ना, वो ये मेरा कहते हो तो गुरु को कभी भी आएगा तो यही पूछते रहेगा कि ये मेरी नौकरी देख, मेरा घर देख, मेरी पत्नी देख, मेरा पति देख, मेरा, और ये मेरा जब तक नहीं छोड़ेगा, इसलिए गुरु पहले पर तेरे पर ढोहर डालता है। अरे कभी तू तेरा बोल के गुरु जी ये मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा नौकरी तेरी है, तू देख ले इसे, मैं तेरा हूं, ये तू नहीं कहता। और ये तुझे कहना ही नहीं आता क्योंकि कहने के लिए डरता है। कल के दिन अगर गुरु को बोल दूं कि ये पैसा तेरा है, पत्नी तेरी है, तो फिर उठा के तो नहीं ले जाएगा ये, और फिर मैं तो जहां कमा रह जाऊंगा, उसको डर है। और अगर वैसा गुरु अगर है तो वो गुरु ही नहीं है ना, वो शिष्य। गुरु को तेरे पत्नी से लेकर क्या करना है? अगर वो सिद्ध गुरु है तो अप्सराओं को अपने सामने निशाने वाला है, तो तेरी स्त्री को लेकर क्या करेगा वो? तेरे धन को लेकर क्या करेगा? जो तुझे खिलाता है तुझे लेकर वो क्या करेगा? लोगों का बहुत सारे ये बात कहते हुए तारे देते हैं मुझे यहाँ भी कहीं गुरु जी के पास इतने लोग बैठे हुए, क्योंकि उनको समय नहीं, उनका कुछ बैठे बैठे कुछ भी करना, खाते यहाँ है, पीते यहाँ है, यहाँ जीते हैं और बोलते हैं यहाँ हमें क्या मिला। अरे तो खाया यहाँ, ज्ञान संपादन यहाँ किया, सब कुछ यहाँ किया, और कहता कि गुरु जी ने क्या किया, 12 साल गुजरे कैसे तेरे? नहीं तो तू बीमार पड़ के कहीं मर जाता, तू तेरे को कुछ अगर हो जाता तो गुरु जी तुझे यहाँ बैठ कर तुझे अपनाए हैं, यही बड़ी बात है। गुरु जी तुझे देख रहे हैं, यही बड़ी बात है। और तेरे से क्या चाहते हैं? तेरे से चाहते केवल हैं कि गुरु मैं तुम्हारा हूँ, ये बात तू एक बार बता दे, तू कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, एक बार तू करके बता। अब तू इसे करने के लिए भी तेरे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है। और जिस दिन तू हार कर गुरु को कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या दिया, तो गुरु हंसकर कहते हैं कि हाँ मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, तो किसी दूसरे गुरु या दूसरे घर को ढूंढ ले। और तू जब ढूंढ के बाहर पूरा घूम के आता है तो तुझे पता लगता है कि मैं कहाँ क्या खोया, और बाद में तेरे पास कुछ नहीं रहता, तब भी तू आता है तो गुरु तुझे उसी मन से लगाता है कि अरे तू दिन भर का भूला भटका, रात को भी घर वापस आ जाए तो वो भूला भटका नहीं कहलाता, तो कम से कम रात को तो घर आ गया, तू मेरा है। वो गुरु की श्रेष्ठता है कि वो कहता है कि तू मेरा है। तूने उसकी निंदा की, तूने उस पर पत्थर डाले, तू गुरु को गालियां दिया, लेकिन गुरु ने तुझे कुछ नहीं कहा। तू कभी कम उस थाली में, जिस थाली में खाकर गुरु के पास गया, कहने के लिए तेरे मुंह तो आना चाहिए। तू क्या सुंदर अप्सरा तो है नहीं, तू क्या बहुत बड़े घरवाली तो नहीं है नहीं, तुझे वशीकरण या तुझे ऐसी आकर्षण करनी, गुरु को क्या करने का है? गुरु के पास लाइन लगता है, गुरु को लग सकता है, केवल गुरु यह चाहता है कि तू तेरे जीवन में क्या खोया उसको पाने की एक तमन्ना है, उसका एक क्षण उसको देता है, इसलिए कि मेरे स्पर्श से, अगर मैं तुम्हारे को अंगूठा स्पर्श से तुम्हारे भ्रुकुटी को स्पर्श करता हूँ और तुम्हारे को दीक्षा देकर तुम्हारे में बदल ला सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे स्पर्श से तुम्हारे सारे रोग, सारे पापों को निवारण कर सकता हूँ, तुम्हारे में वो शक्ति मेरे पास है। तुम इतने पापी हो कि गत जन्म में गुरु की निंदा करते हुए गुरु को धोखा देकर भाग गए, लेकिन फिर भी गुरु ने तुम्हें इस बार अपनाया और कहा कि इस बार तो तू समझ, मैं तुझे स्पर्श देकर कह रहा हूँ कि तू मेरा है, तू मेरी है, और तुझे मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे समझ। लेकिन फिर वही 8 वर्ष 10 वर्ष हो गए तो वही फिर वही चित्र में जाता है, तब समझ सकता है गुरु जी 8 वर्ष मेरे साथ रहा या मेरे साथ रही, 10 वर्ष रहा, अब तो ये बदल गया होगा, अब तो मैं इसकी परीक्षा ले सकता हूँ। 8वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में आया तो कम से कम सर्टिफिकेट तो 10वीं कक्षा में मिलेगा, अब तो इसको परीक्षा लेनी है, जैसे इसको सर्टिफिकेट लेना चाहिए। 10वीं कक्षा में अगर मैं परीक्षा देने बैठ गया और तू फिर फेल हो गया तो गुरु का कहाँ से बना? तो फिर उसको छोड़ के आगे गया तो गुरु का कहां से बना? 10वीं ही पास नहीं हुआ तो तू उस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तक जाएगा कहां? फिर तुझे वही माया, फिर तुझे वही, फिर गुरु की निंदा, फिर उसे छोड़ दो, फिर आगे कहीं ढूंढ के आओ, फिर जाओ। इस सारे जन्मों से चलते हुए आज की क्रिया है, तो एक बार ये कह के तो देख कि प्रभु ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा है। मैं अगर इनके लिए आज प्रार्थना करता हूं तो मैं गलत आदमी हूं, क्योंकि मैंने इतने सौंप दिया है, ये धन, ये दौलत, ये पत्नी, ये बच्चे, मेरे विचार, मेरी आशाएं सब तुम्हारे पास है, तुम जो करोगे वो मेरा है। हम ये नहीं कहते, हम हर बार यही पूछते रहेंगे कि गुरु जी मेरा क्या हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, जब तक तू गुरु के पास मेरा क्या हुआ कहता है, गुरु को दर्द होता है कि ये मेरा नहीं बना, वो उसका ही है, उसके बारे में विचार करता है, ये मेरा कभी नहीं होता और मेरा कभी नहीं होगा, वो उसी को पूछेगा। दर्द उस समय होता है कि मैंने तुझसे इतना प्यार किया, इतना सब कुछ तेरे देने के लिए मैं तैयार हूं, फिर भी तू किसी को मेरा कहता है, तो
तो कहते हैं कि तेरे को बहुत, मैं इससे भी ज्यादा देना चाहता था, लेकिन तेरे में लेने की क्षमता नहीं है, जा मुझे तुझे देता हूँ, तुम इससे छूट जा, जा निकल जाए यहाँ, मैं तुझे नहीं, फिर अगला जन्म देखेंगे, मैं अगला जन्म तेरे लिए इंतजार करता हूँ, मेरे में वो शक्ति है, मैं इंतजार करता हूँ, फिर भी अपनाऊंगा तो अगला जन्म फिर लेकर आएगा, फिर अपनाऊंगा, फिर एक 10-12 साल रख लूंगा, फिर तुझे क्षमता देने की क्रिया करूंगा। मैं चाहता हूं कि उस आत्मा में, खुद में, क्योंकि आत्मा स्वयं की होती है और परमात्मा विलीन होने की उनकी क्रिया है, आत्मा को खींच कर मैं मेरे में डाल ले हूं, तो ये मैं चोरी करने वाला हूं, मैं लुटेरा कहलाऊंगा। आत्मा अपने आप से कहे कि मैं तुम्हारे में विलीन होना चाहता हूं, और उसके लिए उसकी आत्मा को शुद्ध करने की क्रिया गुरु 10-12 साल 15 साल 7 जन्म 25 जन्म करते रहता है कि उसमें आत्मा शुद्ध हो और कहे कि गुरु जी मैं आत्मविलीन होना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारे को 1 मिनट में खींचकर तुम्हारी आत्मा को मेरे में डाल लूं, मैं परमात्मा, तो मैं तुम्हें लूट रहा हूं। और ये एक क्रिया क्रिया नहीं, तुम जब तक जन्म लेते रहोगे, तुम्हारी मन बुद्धि चित्ति अहंकार का जो ये पेटी है, ये शरीर है, उसमें तुम आत्मा लेकर बैठे हो, तो तुम्हारे में वो शुद्धता लाने की क्रिया करता हूं। ये सारी चीजें जो भी है, तो एक बार सौंप करके दे, तो ये कहकर तो दे कि गुरु जी ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम जो करोगे मैं उसको मानने के तैयार हूं, और गुरु जी की एक परीक्षा में तू एक बार भी पास हो गया तो तुझे आगे का जीवन तुझे देखने को मिलता है जो आज तुम्हारे सामने बैठा। आज उसी गुरु परीक्षा में 13 साल जूझता रहा, ऐसे भी मैंने बहुत सारे क्षण आपको बताया है कि मेरे जीवन में ऐसे भी क्षण है, कभी पत्नी को भी पता नहीं चला, ना माता पिता को, लगता था कि मैं आज मर जाऊं या कल फांसेंगे। अकेले में बैठ के बहुत चिंतन करता था कि ये क्या जीवन जी रहा हूं, मैं ना गुरु का हो सका, ना अपने माता पिता का, ना पत्नी का हो सका, किसी का नहीं हो सका, ये जीवन क्या जी रहा हूं। और फिर साधनाओं के मार्ग में, साधना में लग जाता, साधना करता, गुरु जी का मार्ग बताए हुए आगे चलता। ये करते करते जिस दिन गुरु जी के पास गया, केवल इतना कहा कि मैं इस संसार में मैं क्या हूं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात जरूर जानता हूं, जिस ज्ञान को आपने दिया है, अगर शिष्य के रूप में वह ज्ञान में सिर्फ दूसरों को दे सकने के सामर्थ्य प्राप्त कर सका, मैं आपका सामर्थ्यवान शिष्य बनकर जाना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मेरे पत्नी का एक श्रेष्ठ पति बनूंगा, या मेरे बच्चों का बाप बनूंगा, या मेरे माता पिता का बेटा बनूंगा, या एक अच्छा घर कार वगैरह लेकर खरीदूंगा, ये मैंने गुरु से नहीं मांगा। गुरु से मांगा केवल ये कि तुम्हारा एक अच्छा शिष्य बनकर सामर्थ्यवान जीना देते हो तो दो, नहीं तो ये जीवन ले लो, ये शरीर मुझे मेरा ले लो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज कहता हूं, जिस दिन गुरु जी ने मुझे कहा जोशी तू मेरा है, तू मेरी परीक्षा में पास हुआ, तो आज मैं तुम्हारे पास कहता हूं, मेरे लिए इतने सखा बंधु प्रेमी सब कुछ आप मेरे सामने, उन्होंने इतना दिया है, जबकि मैं एक को प्राप्त करने के लिए आगे पीछे होता था, आज मेरे साथ इतने प्रेमी बैठे हैं, इतने भक्त बैठे हैं, इतना ऐश्वर्य है, ये सब कुछ दिया हुआ गुरु का। आपकी परीक्षा तो होगी, परीक्षा तब तक होगी जब तक आप ये कहेंगे कि गुरु जी ये सब आपका है, आपको सौंप दिया है, मैं सारे ताने सन्ने सहने के लिए तैयार हूं, सारी बाधाएं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप मेरे हैं, मैं आप मुझे सूली पर चढ़ाओ, आप मेरे कहो कि मुझे कांटों पर सुला दो, मुझे अग्नि में डाल दो, मैं हर चीज को सहने के लिए तैयार हूं। लोग मुझे ताने सुनाए, पत्थर से मारे, लेकिन एक बात को कभी आप मुझे ना छोड़ो गुरु जी, बस इतनी बात कह दो, फिर तुम्हें देखो कि गुरु जी तुम्हें किस तरह ले जाते हैं, किस स्थान पर तुम्हें गुरु जी ले जाते हैं देखना, तुम वहां पूजनीय स्थान पर बैठोगे और जो आज पत्थर मारे हैं वो तुम्हारे में हार डालेंगे, फूल पहनाएंगे, लेकिन एक क्रिया करने के लिए बहुत सारी सहन शक्ति चाहिए। विशुद्धानंद जी अपने जीवन में लिखते हैं, देवता तक देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें सहन शक्ति है वो देवता। और हम आज तक देखते हैं, चाहे माता सीता को लो, चाहे रामचंद्र जी को लो, चाहे कृष्ण भगवान को लो, जिन निंदा है वो सारे सहते रहे, लेकिन किसी का उन्होंने बुरा नहीं किया। और जिसमें सहन शक्ति है, चाहे जेजस कृष्ण को लो, चाहे और किसी को भी लो, जिसमें सहन शक्ति है वो देवता बनकर पूजा गया। और हमारे में उस सहन शक्ति क्या है, हम उन सहन शक्ति के साथ अगर हम चल सके, हमारे गुरु पर ही हम रूठते हैं, हमारे गुरु पर ही हम गालियां देते हैं, लेकिन गुरु वो है कि तुम्हें हंसकर अपना कर, तुम उसके छत्र छाया में बैठे हो, उसका खाते हो, उसका पीते हो, उसके पास रहते हो, क्या तुम्हें अधिकार है उसके ऊपर रूठने का, क्या तुम्हारे उसके ऊपर गुस्सा करने का अधिकार है, क्या तुम उसको प्रेम दे सक रहे हो, क्या उसके आनंद को उसको समझ सक रहे हो, कितने दिन ऐसा ही जीवन जियोगे, उसको कितना दिन सताओगे, कितना कष्ट पहुंचाओगे, प्रेम से कभी आलिंगन दे सकते हो, कभी उनके जीवन में उनको अपने अपनापन बतला सकते हो कि मैं तुम्हारा हूं या मैं तुम्हारी हूं, ये तुम्हारे में नहीं हुआ ना हो सकेगा। तुम चाहते हो कि गुरु मेरा बने, मैं गुरु की नहीं या मैं गुरु का नहीं, गुरु बोले तू मेरा है, कैसा बोलेगा गुरु तुम्हें, अपने को अपना आप को तुम्हें कैसा बोलेगा कि तू मेरा है, जबकि तू चाहते हर बार आता है, आप सब लोगों में बैठे मेरे को देखे नहीं,
तेरे को क्या जरूरत, तुझे पता है मैं देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ तुझे, अब बिना देखे तू जिंदा है, बिना देखे तेरा तेरा शरीर चल रहा है, बिना देखे तेरा कार्य हो रहा है, बिना देखे तू जी रहा है। समर्पण के भाव में हमारी कहाँ कमी है, हम अपने आप को देखें। हम मैंने बहुत बार तुम्हें ये कहा है कि गुरु तृप्त हो तुम्हारे कार्यों से, और जिस दिन तृप्ति के साथ गुरु कहे कि हाँ तूने मेरा कार्य किया है, तो तेरा कार्य करने के लिए गुरु जी को एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण भी नहीं लगता। तूने 10 रुपए से गुरु को संतोष किया है तो गुरु जी 1000 रुपए देने के लिए 1 मिनट हाथ में जेब डाले, जैसे कहते वो धनवान है, वो ऐश्वर्यवान है, वो वैभववान है, सारे देवता है उनके पास, तुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन तू उसे कभी तृप्त ही नहीं किया कि ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारा, तू कभी उसको प्रेम ही नहीं किया, वो तुझे प्रेम दे, तू रूठ जा, तू गुस्सा कर, तू कहीं भी चले जा, वो तुझे फिर भी प्रेम से अपना कर, उसके पास रहकर। अगर मैं समझो गलती से तुम्हारे घर में आऊं और तुम्हारे घर में एक टीवी फोड़ दूं, या तुम्हारे बच्चों को गालियां दूं तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारे पत्नी को गालियां दूं, तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दूं, या तुम्हारे बाथरूम में मैं आकर यूं ही बैठे बैठे पूरा गंदा करके जाऊं, तो क्या तुम क्या कहोगे? गुरु ये सब क्या करते हैं, आपको करना है आपके घर में जाके करो। कोई है यहाँ का आदमी एक बताओ मैं तुम्हारे घर में आके ये गंदा करूं, तो तुम अपने को अपने को अपनाने के लिए बात कहोगे? एक भी आदमी मुझे मैं गुरु होकर नाते कि आपके पास आने के बाद में निकल सकते, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ रहने पर भी तुम कितनी भी गंदगी करो तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरे हैं और मैं वो गंदगी साफ करने के लिए मैं आगे चलता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह प्रेम देता हूँ, नहीं देता हूँ तो कहो मैं नहीं देता हूँ। बताओ एक को भी मैंने ऐसा कुछ कहा है कि तुमने गंदा किया? एक बार मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे घर में 10 दिन रहा, तो तुम बताओ कि मेरे लिए तुम क्या कहोगे? तुम किस दिन जाओगे गुरु ये पूछते हैं, और ऐसा क्षण आने नहीं दूंगा क्योंकि मैं गुरु घर में बैठा हूं, मैं किस तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। उस दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हारा घर शुद्ध हो, स्वयं शुद्ध होकर बैठे हो, तुम्हारे घर में आकर जरूर बैठूंगा, 24 घंटे तुम्हारे पास बैठा रहूंगा। लेकिन जब तक तुम्हारा घर गंदा है, तुम्हारा घर गंदा करने मैं नहीं आऊंगा, और मेरा घर गंदा करे तो साफ करने की क्रिया मुझे जानते हैं, तुम कितने मैले हो, तुम्हें कितनी जिस तरह साफ किया जाता है वो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे गुरु जी ने ये करने के लिए यहां जन्म दिया। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम किसी भी हालत में मेरे पास आओ, इतना कहने पर भी कि तुम ये बात कहते जरूर आओगे मेरे पास कि गुरु जी मेरे पास पैसे नहीं, जरा देखो ना मेरे पति बहुत बीमार है, देखो गुरु जी मेरा घर देखो, मेरे कार नहीं खरीदा, कार का लोन नहीं मिल रहा है, घर का लोन नहीं मिल रहा है, यही बात कहोगे? लेकिन गुरु जी मैं तुम्हारे को क्या लोन दूं ये कभी बात नहीं करूंगा। क्यों? कि तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि वहां तक चलती है, तुम केवल आए हो तो यही कहने के लिए कि तुम मैं कैसे जीऊं, मेरे जीने की क्रिया क्या है, मैं क्या करना चाहिए? अरे तू नहीं जानता वो ब्रह्मांड में व्यक्तित्व वहां बैठा हुआ है, एक बार तुझे उसको सौंप कर देख ले, तुझे जाते जाते कांटे लगेंगे, कीचड़ लगेगा, लेकिन कीचड़ धोने की क्रिया वो जानता है। इससे तुझे वो चाहता है कि तू इतने समय में भी उसको एक है कि मैं तेरा, मुझे गंदगी लगी, मुझे कष्ट हुआ, मुझे सुई चुभी, तो तू उसे गाली नहीं देता, तू ये कहना चाहिए कि प्रभु ये मेरे कर्म थे तूने किए, मैं तुझे अपना करने के लिए मैं ये कार्य करता हूं। जिस दिन ये कार्य कहेगा, जिस दिन करेगा कि तू कुछ भी कहे तू मुझे अपनाता है, मैं चाहे तेरे पर रूठूं, तेरे गुस्सा करूं, तुझे मारूं, तुझे गालियां दूं, तेरी निंदा करूं, तेरे घर में रहकर तुझे निंदा करता हूं, तेरे घर में रहकर तेरे थाली को फोड़ता हूं, तेरे घर में रहकर तेरी शरीर से करता हूं, लेकिन प्रभु तेरे तू मुझे अपनाने से कभी ये नहीं कहता कि तू यहां से चला जा, तेरी श्रेष्ठता श्रेष्ठ है या मेरी श्रेष्ठता? ऐसे रहने पर भी अगर हम हमारे जीवन में गुरु को अपना नहीं सकते और गुरु से हम कुछ सीख नहीं सकते, तो हमने गुरु को क्या दिया? कैसे हमारा उद्धार होगा? कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे जीवन में? क्या करना है? बहुत बार कहता हूं कि यह आश्रम तुम्हारा है, यहां तो मैं नहीं रहता, तुम ही रहते हो, यहां का एक एक आने वाला साधक यहाँ के लोगों को ये कहे ये लगा कि इन्होंने अपना है गुरु की धनती, मैं तो तुम्हारे में गुरु पद को दे रहा हूं, गुरु तत्व को दे रहा हूं, निखिल चेतना केंद्र को कोई आए तो यह समझे कि यहाँ प्रेम मिलता है, यहाँ साधनाएं मिलती हैं, यहाँ कार्य मिलता है, यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ हम जो घर में खोकर आए हैं वो सारा प्रेम यहाँ में मिलता है, ये लोग कहें, यहाँ की प्रकृति कहें, यहाँ का पेड़ कहें, यहाँ खड़े रहने पर वो शांति अनुभव करें, और इसके लिए हर चीज में वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो प्राण होनी चाहिए जो गुरु सह रहा है, वो सहने की शक्ति तुम्हारे में भी आनी चाहिए, वो हंसी वो प्रसन्नता तुम्हारे में दिखनी चाहिए। दूर से कहीं गुजरात से कहीं उड़ीसा से साधक आ रहा है और यहाँ आने के बाद ये रोते हुए बैठे हुए हैं, क्या है क्या करे भाई, हम आश्रम में बैठे हैं कुछ नहीं चलता, हमारे को तरकारी ही नहीं मिलती यार, हमारे को दूध नहीं मिलता, हमारे को पानी नहीं मिलता। अगर उसके सामने अगर ये बात ये कहें तो वो आगे वाला क्या कहेगा कि आश्रम ऐसा ही इसमें कुछ नहीं मिलता, इसमें कुछ आना जाना नहीं, हमारे को सोने के लिए गद्दे भी नहीं,
हमारे किसने के लिए ये नहीं भाई तेरे को इतना कष्ट है, तू रहा क्यों नहीं, तू तेरी जगह चला जा, तू तेरी जगह जहाँ तुझे अच्छा मिलता है वहाँ चला जा, वहाँ रह जा। लेकिन अगर आने वाले को तुम उसी प्रेम के साथ लोगे, तुम्हारे घर का गद्दा निकाल कर उसको देगे, तुम्हारे खाने में का एक निवाला उसको देगे, तो वो कहेगा कि यह सहन शक्ति वाला निखिल चेतना केंद्र है, यहाँ वो प्रेम मिलता है जो अपने में से बांटते हैं, अपने छली से अन्न निकाल कर देते हैं, अपनी सुविधा उनको प्रदान करते हैं, वो प्रेम आने वाला निखिल चेतना केंद्र का सार्थक अनुभव करें, ये मेरी इच्छा रहती है। आज मुझे इतनी ग्रीनरी ये सब करना कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको आया तो पेड़ के नीचे बैठ के भी साधना करके हाल में देखे भेज सकता हूँ, लेकिन हर क्षण अनुभव करता हूँ कि हर एक साधव परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का बेटा है। अब ये सब मेरे लिए वो गुरु जी के समान, उनके कार्य में कुछ भी कमी इतनी भी हो गई तो मैं गुरु के क्रोध का पात्र बनूंगा। तुम्हारे लिए सुविधा को देखता हूँ कि तुम्हारे को खाना मिला, तुम्हारे को पानी मिला, इसके सभी के बाद फिर साधना प्रदान करता हूँ। है मैं जानता हूं कि इतना होने पर भी तुम्हें कष्ट होता होगा, तुम्हें कष्ट पहुंचता होगा, तुम्हारी धूप लगती होगी। आज भी मैंने हमारे शिवा से कहा था और यहाँ के लोगों से भी कहा था, अरे चार कूलर आप नागपुर से मंगवाते, चार तरफ लग रहे थे उनको ठंडी हवा अच्छी आती थी, तो उन्होंने कहा मैं भूल गया, छे गुरु जी को बोलना था चार कूलर लाने के लिए, लेकिन भूल गया, नहीं बोला, बोलता तो वो भी काम हो जाता था कि उनको कूलर के नीचे बैठ के साधना प्रदान करो। मेरा चिंतन इस प्रकार चलता है कि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं जो खा रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन लोग मुझे यह भी करने नहीं देते, ये भी उतनी ही बात सच है। क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए उनको, इन सारी चीजों को उनको करने के लिए सोचते हैं कि कभी तुम्हारा शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु को किस दृष्टि में देखे, किस ऊंचाई पर देखे। जब वो तुम्हारे लिए इतना तड़पते हैं तो तुम उनके लिए क्या कर रहे हो, कभी आप विचार करें, आप यह सोचते हो कि गुरु ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे गुरु जी ने मुझे इतना सब कुछ नहीं दिया। गुरु जी जो करते हैं वो सब तुम्हारे देखते समय, आप दूसरे आश्रमों में एक बार जाकर तो देखो, गुरु तीन रूम के पीछे एसी में बैठा होता है, शिष्य 24 घंटे खड़े रहने के बाद वो कभी एक मिनट के लिए बुलाएगा तो, और मैं तुम्हारे लिए हर दिन लाइन में खड़ा हूँ, कोई भी आए हाथ डालकर बात करके चलता हूँ, गुरु जी की बात में ये बात करता हूँ कि तुम अपने हो, अपने साथ लेकर चलता हूँ तुम्हें, कभी मैं तीन मंजिल में तीन कमरों में जाकर बैठा नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरे गुरुपुत्र हैं, ये स्वयं गुरु है, और इनको मैं जितना प्रेम दे सकूँ तो मैं गुरु के प्रेम का पात्र बनता हूँ। अगर आप इस मेरी भाषा को अगर आप समझ रहे हैं तो आप इतनी बात याद रखो, निखिल चेतना केंद्र आपके लिए साधना और प्रेम बांटने के लिए बैठा है, आपको कष्ट देने के लिए, जो भी कष्ट हुआ आप मुझे बताओ, हो सके तो तुम्हारा कष्ट मैं ले लूंगा या उस कष्ट का निवारण करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और हर क्षण करता रहूंगा, चाहे मैं यहाँ जिंदा रहूं या ना रहूं, निखिल चेतना केंद्र आपका है, साधना के लिए आपको यह साधना केंद्र बनकर ही रहेगा। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना की, कहीं मैंने मेरा बोर्ड नहीं लगाया कि ये मेरा है, यहाँ के मालिक केवल है तो डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी ही, स्वामी निखिलेश्वर जी इसके मालिक है, मेरे जाने के बाद या मेरे रहने के बाद, आज कुंड भी बांधा हूँ, ये सब सारी चीजें दिया हूँ तो आपको छोड़ के ये सब मेरे साथ लेके जाने वाला नहीं, केवल साधना के बल पर आप साधना करें। एक एक वृक्ष यहाँ का आपको बात करेगा कि ये वृक्ष 12 साल के पहले क्या था, ओझा जी ने ये पीछे का पीपल का वृक्ष ये अपने हाथ से 2000 साल में लगा, एक वृक्ष भी 2000 के पहले यहाँ नहीं था, जिस समय समय था एक ऐसा वीरान जहाँ था, एक पेड़ भी यहाँ आपको दिखने के नहीं मिलता था, आज यही जगह आप देखे तो हजार पेड़ लगे हैं जो फूल फलों से भरे हुए हैं और आपको छाया प्रदान करने वाले हैं। केवल 15 साल के अंदर ये पेड़ बात करते हैं कि हम तुम्हें छाया देने के लिए यहाँ हमने उगकर इस निखिल चेतना केंद्र में आपकी दी है, आज ये पेड़ हैं, कल मेरे जाने के बाद भी ये पेड़ रहेंगे। आपसे बात करेंगे कि अनिल कुमार जोशी नाम की एक चीज थी, उन्होंने ये स्थापना करके गई थी कि यहाँ तुम्हें साधना के लिए चीजें छोड़ के गए, ये चीजें रखे गए हैं, और आप इस चीज को जिस दिन समझोगे उस दिन गुरु जी भी कहा करते थे, मैं जाने के बाद मेरे मंदिर बंधेंगे, घंटे घड़ियाल बजाए जाएंगे, बहुत बड़ा विग्रह रखा जाएगा, जन्मदिन मनाया जाएगा, रहते हुए मुझे समझो, मैं जाने के बाद तो मंदिर बनेंगे, ये बात अलग, कृष्ण को रहते समय किसी ने समझाना न, रामचंद्र जी को रहते हुए किसी ने समझाना, उनके जाने के बाद मंदिर बनाएंगे। और गुरु जी को भी मैं कभी भी यही कहता था, आज भी मैं कभी पछताता हूँ, गुरु जी के हर शिविर में गुरु जी इतना ज्ञान दिया करते थे, उस ज्ञान को लेने के लिए हमारे पास या तो पैसे नहीं होते, या आने के लिए समय नहीं होता, या जाने के लिए। कभी भी मैंने आपको एक बात कहा है, तुम्हारे जीवन में कुछ समय हो ना हो, तुम गुरु जन्म दिवस और गुरु पूर्णिमा निखिल चेतना केंद्र को आने की एक शपथ अपने जीवन में रखकर चला करो। फिर भी आज गुरु जी धूप बहुत है,
गुरुजी नौकरी छुट्टियां नहीं, पूरे बिना छुट्टियों के दिन है गुरुजी, छुट्टियां नहीं मिलती। आप बहाने इस तरह बनाते हो, गुरुजी बच्चा बहुत छोटा है उसको धूप लग जाएगी इसलिए नहीं आया, बीवी को धूप नहीं सहन होती गुरुजी वो एसी में बैठे रहते इसलिए उसको लेके नहीं आया। कितने दिन ये ताने मुझे सुनाओगे? मैं तुम्हारे पूरा वर्ष तुम्हारे लिए छोड़ दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि केवल ये तीन दिन गुरु जन्मदिवस और गुरु पूर्णिमा यहाँ आकर तुम मनाया करो, क्योंकि ये गुरु के प्रति तुम्हारा ऋण है, इस ऋण को तुम दिया करो। क्या तुम तुम्हारे जीवन में कर रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे में वो सुविधाएं आ गई, अब घर में एसी फिट हो गई, अब घर में नौकरी आ गई, बीवी बहुत एसी में बैठकर ही जी सकती, बाहर इसमें नहीं आ सकती। वो दिन याद करो जब गुरु जी तुम्हारे पीछे खड़े थे, उन्होंने क्या कहा था कि तुम ये तीन दिन के लिए अपना जीवन गुरु के समक्ष गुजारो। अब हुआ ये कि आगे एक गुरु जन्मदिवस देखेगा, दूसरा गुरु जन्मदिवस, तीसरी गुरु पूर्णिमा देखेगा, चौथे में गुरु जी उस तुम्हारी एसी बंद कर देगा, तब फिर निखिल चेतना के मुझे याद आएगा, आ जाऊँ ठीक तरीके से, फिर निखिल चेतना के अंदर पहुंच जाओ। लेकिन इन सारी बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम हमारे जीवन में कहाँ तक गुरु के प्रति समर्पित हैं, कहाँ तक गुरु के प्रति हमारा समर्पण है और हम गुरु के प्रति कार्य कर रहे हैं। पूरे नाथ संप्रदाय में जो कलयुग द्वापर के बाद नाथ संप्रदाय आया, उनका एक एक शिष्य कोई गोबर में 12 साल रहा, उसकी तपस्या गोबर में बैठे रही, जालंधर नाथ घोड़ी की लीड में बैठे रहे, कानिफा नाथ हाथी के कान में बैठे रहे 12 साल तपस्या के, उनके जीवन इतने घृणास्पद जीवन थे कि वहां अपन राह जाकर रह भी नहीं सकते। ऐसी तपस्या के बाद वो नाथ संप्रदाय में आए और उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया। हम तो यहाँ बुलर नहीं है तो बैठ नहीं सकते, लीर्ज में बैठने की दूर की बात है या गोबर में बैठने की दूर की बात है, तब हमारी तपस्या कैसी, हमने तपस्या क्या की है, तपस्या किसे कहते हैं, हम क्या कहते हुए तपस्या करनी चाहिए। आपको अगर मैं आपको आज कहूँ तो आज कुछ ने एक महीने के पीछे यहाँ गुजरात के साधक हैं 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर इस वही में भी अगर मैं जाकर तीन दिन इतने धूप में भी बिना पानी या पिए दूध पे ही अगर साधना आपके लिए करता हूँ तो आपका कर्तव्य मेरे लिए क्या बनता है, आप विचार करो। गुरु के लिए आपका कर्तव्य क्या बनता है? मेरी धारणा यही है कि आप सिद्ध बनकर मेरे पास आओ, आप समर्पित बनकर आओ, मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। कभी भी मैं अगर एक बार सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे समर्पण में कुछ कमी हो गई है मुझे, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ, कह रही इनको मैं ये नहीं दे सका। हर बार मेरा यही सोच रहता है कि मैं शिष्यों को क्या कमी कर रहा हूँ, उनके घर में क्या सुविधाएं होती थी उससे वो सुविधाएं दे सक रहा हूँ या नहीं दे सक रहा हूँ, उनको सुविधाएं देनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर आज वही हाल में रहते तो इसी में बैठे रहते तो ये लोगों को फिर रहने के नहीं तो साधना कक्षा अलग हो, वहाँ बैठ के एक के पीछे एक बैठे उनको साधना की सामग्री भी सामने रखकर साधना नहीं करनी आती, चलो यहाँ साधना कक्ष बनाएंगे और उनको रहने के लिए वहाँ देंगे। इस सुविधा के अनुसार आगे आगे चल रहा हूँ और प्रभु की कृपा हो तो साधना कक्ष में अगले साल आपको जरूर एसी में बिठा कर साधनाएं करवाऊंगा। मेरी ओर से समर्पण कोई कमी नहीं होगी, साधना किसी प्रति समर्पण कमी होगी तो आपकी हो सकती। आज गुरु जन्म दिवस के इस उपलक्ष्य में सुबह जो साधनाएं आपने संपन्न की हैं उसकी शक्तिपात दीक्षा पहले करूंगा, और आज गुरु जन्म दिवस का वह दिन है जहां गुरु जी की माता जी अपने पुत्र को जन्म देने के लिए भगवान को प्रार्थना कर रही थी और उनका जन्म रात में हुआ था। ऐसे समय में इस सहस्त्र बृहस्पति में हम गुरु जी के प्रति समर्पण स्तुति करते हुए ये कहेंगे कि प्रभु आप हमारे लिए आपने जन्म लिया है और हम आपके प्रति उस ऋण को चुकाने के लिए जो कार्य करना चाहते हैं वो ऋण का कार्य करें। आज हम वो आनंदमय जीवन उस आनंद को मनाएंगे जिसके ऊपर आपने पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारे लिए इन सारी चीज़ों को आप प्रदान करते हुए आगे चलेंगे। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका ही आपके बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम कार्य करें। जिस दिन हम आपके हो गए हमारा संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, हमारा संसार कुछ नहीं कर सकेगा, हमारे संसार की चाहे कुछ भी हमारे को खिले मारें या खिले ठोके या हमें अग्नि में तपाएं, हम आनंद के साथ उस कष्ट को सहने की शक्ति रखेंगे। इस चमत्कार को देखकर कष्ट देने वाला भी अपना सर नीचा करके झुका के रहेगा कि एक अच्छे आदमी को हमने दुख दिया है और वो जरूर तुम्हारे चरणों में उसका सर झुका देगा। यह कष्ट सहने की क्रिया मैं साधना मार्ग से आपको सिखाना चाहता हूँ। कष्टों को इसलिए सहा जाता है कि आगे के जीवन को सुखी बनाने के लिए। आज अगर मैं कभी यहाँ बैठा हूँ, कूलर यहाँ लगा हुआ है और आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं वो कहता हूँ कि गुरु जी की वो कृपा है।
पहले इस कूलर को लगाने से पहले आप भी जानो, तो तीन दिन ऐसे पत्थरों में ऐसे जगह बैठा था जहाँ एसी वगैरह किस्म का फैन भी नहीं था, एक गुफा जहाँ पसीना था, जहाँ आगे चल के आने के लिए पसीना था, पहले ऐसे दिन गुजारा, बाद में कूलर में बैठा। आप बोलो आप कितने लोगों ने पत्थर में बैठे हैं और तीन दिन पानी पे रहे, कम से कम इस धूप में कितने लोगों ने किया? क्यों? क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं, इसका ज्ञान ही नहीं कि हमें क्या करना है। मैं फिर भी इतना सब होते हुए आपके जीवन में कुछ भी कष्ट आए, एक कष्ट, उन कष्टों को कहो कि मेरे गुरु के सामने तुम्हारे कष्ट कुछ नहीं है, हम इन कष्टों को अपने सुख दुख को सबको गुरु जी के चरणों में समर्पित कर लिए हैं और तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और जिस दिन ये बात आप उस कष्टों से कह दोगे, उस दिन तुम्हारा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वो किसी प्रकार की भी तुम्हारे जीवन की दुखदायी घटनाएं हैं। आप पहले जो सुबह मैंने साधना की है उसकी शक्तिपाद दीक्षा लेंगे, उसके बाद नाथ सांप्रदाय की दीक्षा फिर एक बार दूंगा आपको, और आज वो विशिष्ट साधना बताऊंगा जिसे इस संसार में केवल वही सिद्ध लोग जानते थे, सप्तऋषि और रावण जैसा व्यक्ति तो जानता था, और रामचंद्र जी ने इस व्यक्ति की साबरी विद्या को जानने के लिए जो क्रिया संपन्न की, जो कार्य किया, उसके बारे में भी मैं आगे के प्रवचन में मुझे आपको सुनाऊंगा। पहले सुबह की साधना की दीक्षा आपको प्रदान करूंगा, उसके बाद हमारे अक्षय कहाँ हैं, उन्होंने कुछ कार्यक्रम रखा है, कितने बजे रखा है कार्यक्रम, तूने रखा है, मैंने नहीं, कौन सा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, कौन सा समय? ये लोगों को खाना खाने के आके सो जाने के लिए बोलेगा या खाना खाने से पहले सुनाएगा? रेडी है? हाँ ठीक, आप सब लोग पहले शक्तिपाद दीक्षा लें, बाद में नवनाथ सांप्रदाय की दीक्षा आपको प्रदान करूंगा, और उसके बाद एक ऐसी साधना प्रदान करूंगा जिसके बारे में आप आज तक शायद जानते नहीं। रामायण तो सबने पढ़ा है, सभी ने रामायण पढ़ा है, लेकिन जब रावण को मार देने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर सब लोग जा रहे थे तो विभीषण आए। विभीषण ने आकर कहा कि प्रभु, मैंने जीवन में रावण तो 100,000 वर्ष जी कर रहा, मैं तुम्हारी इस संसार में तुम्हारा प्रचार करना चाहता हूं, तो ऐसा कुछ करो रामचंद्र प्रभु कि मेरी आयु बढ़ा दो ताकि मैं आपके जीवन में आपके बारे में संसार को बता सकूं। राम को लगा कि मैं कोई मंत्र की साधना किया ही नहीं, मेरे पास कोई मंत्र है ही नहीं, अब विभीषण को दूं तो क्या दूं। वो देखने लगे तो हनुमान जी साथ में बैठे थे, प्रभु राम का नाम लेकर मैं चिरंजीवी बन गया, इतना महान बन गया, तो क्यों वो राम की दीक्षा नहीं देते? रामचंद्र जी का मेरा नाम की दीक्षा मैं ही दूं, अरे यार कैसी बात रही, विभीषण को ऐसी दीक्षा दूं। वे सोच में पड़ गए, तब उन्हें मतंग महावनी का आश्रम याद आया, और वो शबरी का वो घटना याद आई जो शबरी ने कहा था कि तुम्हारा इंतजार करते हुए मैं कम से कम 300 वर्ष केवल राम का नाम लेते हुए 300 वर्ष ही और तुम्हारा इंतजार करके, और तुम्हें बाध्य होकर शबरी के आश्रम को आना पड़ा। वो साबर मंत्र मैं कोई संस्कृत की विद्या नहीं जानती थी, केवल राम कहती थी, और उससे मैं ये हुई जिस दिन आपको मैंने बेर खिलाए, और उस दिन ने मैं कहा कि इस आत्मा को मेरे मतंग महावनी मेरे ऋषि में विलीन कर दो, और वो मतंग महावनी बाद में राम में विलीन हुए। तब रामचंद्र जी को शबरी का दिया हुआ वो साबर मंत्र जिसको उन्होंने राम को आने के लिए बाध्य किया, वही मंत्र पहले रामचंद्र जी ने विभीषण को दिया और विभीषण चिरंजीवी कहलाए, ये बात किसी को भी बात नहीं, वो साबर मंत्र था जो रामचंद्र जी ने विभीषण को प्रदान किया। आज उसी साबर मंत्र का विधान आपको चिरंजीवी बनाने के लिए दे रहा हूं, इसलिए कि आप आने वाले दिनों में उस गुरु कार्य को करेंगे, और आने वाले दिनों के लिए संघ निखिलेश्वरानंद निखिल चेतना केंद्र का, डॉक्टर नारायण श्रीमानी सदगुरुदेव का नाम इस संसार में बढ़ाएंगे, साधना के बल पर, आपके पैसों के बल पर नहीं, या आपके सुंदरता के बल पर नहीं, और आपकी शक्ति के बल पर नहीं, केवल साधना के बल पर आप बढ़ाएंगे कि गुरु जी का नाम हुआ। पहले शक्तिपाद दीक्षा होगी, उसके बाद इस संसार का उस नाथ साम्राज्य की दीक्षा प्रदान करूंगा। एक बार जय घोष करेंगे, बड़े परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय।